हाय गाइस, व्हाट्स अप, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। गाइस, मैं सिद्धार्थ स्वरूप साहू स्वागत करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है सिद्धार्थ स्वरूप यूट्यूब फैमिली यूट्यूब चैनल। प्लीज जाइए, आप इसको सब्सक्राइब। वीडियो शुरू करने से पहले मैं छोटी सी चीज आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको साउंड क्वालिटी में कुछ इश्यू आ रहा है तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपको, आप ईयरफोन प्लग कीजिए और इस वीडियो का आनंद लीजिए। थैंक यू सो मच, लेट्स बिगिन। आप किसी का पति बनो या ना बनो, पैसों का पति बनो या ना बनो, किसी और का पति बनो या ना बनो, पर आपका ऊपर कोई पति होता है। कौन है भाई ऊपर वाला? हाँ, सही पकड़े आपने। यस, आपके ऊपर भी एक पति है, इनका नाम है भगवान। भगवान ही सब कुछ होते हैं, ठीक है। चाहे आप जितने भी ऊपर चले जाओ, भगवान आपके ऊपर सब हमेशा रहते हैं, आपकी दुआएं सबसे रहते हैं। आप सोचोगे कि आपको कौन लीड करता है, आप भले ही कंपनी लीड कर रहे हो पर आपको लीड भगवान करते हैं, क्योंकि भगवान पूरा दुनिया को लीड करते हैं। आप कंपनी लीड कर सकते हो, भगवान पूरा दुनिया लीड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो वैसे ही उस चीज़ आज मैं बताने वाला हूँ, बिजनेस की भगवान के बारे में, बिजनेस की राजा के बारे में। बिजनेस की भगवान, बिजनेस की राजा कौन होते हैं आपको क्या लग रहा है? MD, CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो ऊपर में रहते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट जो होते हैं, आपको लग रहा है कि वो लोग होते हैं? नहीं नहीं नहीं, उनके ऊपर भी कोई होता है। कौन होते हैं वो? वो है कस्टमर। सही बोल रहा आपने, कस्टमर। जी हाँ, कस्टमर इज अ किंग, कस्टमर इज अ गॉड फॉर अ बिजनेस। एक बिजनेस में कस्टमर ही सबसे बड़ा होते हैं, कस्टमर ही किंग होते हैं, कस्टमर ही भगवान होते हैं। तो हम ग्राउंड लेवल और लेमैन लैंग्वेज में अगर ये चीजों को समझे तो किंग और गॉड कौन होते हैं? जो कि एक पर्टिकुलर एरिया, किंग क्या होता है, किंग मतलब एक पर्टिकुलर एरिया को जो कि हैंडल करता है, जो कि ऑपरेट करता है, उनको किंग करते हैं, जो कि हैंडल करता है, स्टेट को हैंडल करता है, कंट्री को हैंडल करता है, तो दैट्स कॉल्ड द किंग। वैसे ही ये पूरे दुनिया को लीड करने वाला एक ही है ऊपर वाला, भगवान होते हैं। तो वैसे ही आप सोच रहे होंगे बिजनेस को ऑपरेट तो मैनेजमेंट की टीम करते हैं, पर बिजनेस का जो मेन रूट पार्ट है जिसके लिए बिजनेस चलता है उनको कस्टमर बोलते हैं। तो आज का टॉपिक है कस्टमर इज अ किंग। व्हाई कस्टमर इज अ किंग, क्यों कस्टमर को किंग, कस्टमर को गॉड क्या कहा जाता है? तो टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट दैट। सो लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी। यस यस, तो इसी चीज को डिटेल में समझने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ग्राउंडेड लेवल एग्जांपल लेता हूँ। आपके पास में, आपके थोड़ी दूर में कोई ना कोई तो शॉप तो होगा ही। अगर वो सारा माल ले भी आता है, इतना सारा माल ले भी आता है, अगर कोई लोग ही नहीं आएंगे तो उसका बिजनेस चलेगा कैसे? वो बोलेगा नहीं नहीं, मेरा बिजनेस चलेगा, मैं इतना सारा माल ले आया हूँ। अरे, खरीदने वाला कुछ नहीं होगा तो आपका माल वेस्ट नहीं है आपका माल। सिमिलरली कस्टमर अगर नहीं होता तो ये सिर्फ ग्राउंडेड लेवल पे बात नहीं चल रहा हूँ, छोटी सी छोटी दुकान से शुरुआत करके बड़ी सी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन तक पूरी चीजें एक स्ट्रक्चरल फॉर्म में होता है। और इसका बेसिक भले ही कंपनी का विजन मिशन अलग अलग होता है पर उसका रूट जो होता है वो एक ही होता है, क्योंकि कस्टमर उनका मेन मोटिव होता है, उनका कस्टमर ही उनका गॉड होता है, उनका किंग होता है, क्योंकि बिना कस्टमर के कोई भी चीज नहीं चलता है। तो कहीं ना कहीं सबका रूट कस्टमर ही तो होता है। तो कस्टमर को खुश करने के लिए बहुत सारे कंपनी बहुत सारे तरकीबें आजमाते हैं, जो प्रोसेस होता है बहुत सारे प्रोसेस आजमाते हैं कि कैसे हमारा कस्टमर को हम खुश रख सकते हैं।
कैसे हमारा कस्टमर ज़्यादा कस्टमर आएंगे, कैसे हमारा चीज़ों में, कैसे हमारा बिजनेस में और डेवलप होगा, क्योंकि बिजनेस का जो डेवलप हो तो कहीं ना कहीं तो कस्टमर से ही तो आता है ना, जो कि पहले से हम डिस्कस कर चुके हैं। तो गिव जो होता है हमारा जो होता है, तो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं वो कौन सी वो प्रोसेस है जो कि एक कस्टमर रिक्वायर करता है, जो कि कस्टमर की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, एक बाई एक जाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमें क्लियरली अंडरस्टैंडिंग हो सके कि कैसे ग्राउंड लेवल से लेके बड़े लेवल तक बिजनेस ऑपरेट होता है और कस्टमर को सेटिस्फाई कैसे किया जाता है, क्या वो ट्रिक है, चाबी जो अलाउद्दीन का चिराग होता है ना, वो चीज़ क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्या है, तो रेडी है आप लोग, क्या है वो पॉइंट। तो पहला पॉइंट है द फर्स्ट वन, दैट इज गिव देम योर बेस्ट, अपना 100% दो। कहते हैं इफ यू गिव योर 100% देन इन रिटर्न यू आर गेटिंग योर 100%, एक बाउंस बैक होता है। कैसे होता है वो सब चीजें देखिए, एक सिंपल से एग्जांपल लेते हैं। बहुत गर्मी हो रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रहा है और एसी बेसी कुछ नहीं है, चलिए एसी खरीदने जाते हैं, एसी खरीदने जाते हैं। इतना गर्मी में एसी फिर कौन खरीदने जाएगा यार, बहुत दूर है, 10 किलोमीटर दूर है दुकान, इतना दूर कौन जाएगा, क्या करे। कंपनी आई, सर आपको एसी चाहिए, हम देते हैं आपको एसी, आपको कुछ और चाहिए क्या, एसी चाहिए, फ्रिज चाहिए, फैन चाहिए, अलग अलग कुछ चीज़ें चाहिए, हम प्रोवाइड करते हैं, आप घर पे बैठे रहिए, हम आके देकर चले जाएंगे। तो ये सर्विस जो होता है वो कौन स्टार्ट किया था, कौन है वो कंपनी, आप गेस कर सकते हैं क्या है वो कंपनी। जी हाँ, सही गेस किया आपने, अमेजन है, एक फ्लिपकार्ट है, और भी बहुत सारी कंपनी है, पर इन दोनों ने अच्छा खासा जो नाम है रोशन किया है। तो अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, तो इन दोनों क्या कर रहे हैं कि सर आपको गर्मी हो रहा है, आपको ठंडी लग रहा है, आपको बुक्स पढ़ना है, हम दे देंगे बुक्स, आप घर पे बैठे रहिए, आप सिंपल आप मोबाइल आपको ओपन कीजिए हमारा, आपके घर पे आके आप हमारा चीज, हमारे जो डीलरशिप है जो अलग कंपनी से डील करते हैं वो अलग चीज़ें वो जो डील किए हैं हम आपको प्रोवाइड करेंगे, आप घर पे बैठे रहिए, हम आपको प्रोवाइड करेंगे जो भी चीज़ आपको चाहिए, बस आपको एक ऑर्डर करना है, आपको आपको UPI से पेमेंट करना है या फिर आप कैश ऑन डिलीवरी भी कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ें होता है, क्या आपने गौर किया है, जो वो चीज़ें अमेजन अपना 100% दिया कि कैसे हमारा कस्टमर घर से बाहर ना निकले, घर पे बैठे बैठे प्रोडक्ट को डिलीवर करे। आई रिपीट, कैसे हमारा कस्टमर घर पे बैठे बैठे प्रोडक्ट को डिलीवर कर सकता है, प्रोडक्ट को ऑर्डर करता है, ऑर्डर कर सकता है, प्रोडक्ट को डिलीवर कर सकता है, कैसे कर सकता है, ये सब चीज़ें कैसे पॉसिबल है, इन सब कंपनी ने किया है। दैट्स कॉल्ड द गिव देम योर 100%, सो दैट इन रिटर्न यू आर गेटिंग 100%, दैट मीन्स गिव देम योर बेस्ट, गिव देम, देम मीन्स व्हाट, देम मीन्स योर कस्टमर, गिव योर कस्टमर, गिव योर 100% टू द कस्टमर, सो दैट इन रिटर्न यू आर गेटिंग 100%, बाउंस बैक, दिस इज ऑल अबाउट द बाउंस बैक। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं दूसरे पॉइंट पे, चलिए तो दूसरा पॉइंट के लिए रेडी है आप लोग। तो दूसरा पॉइंट है सॉल्व द बर्निंग प्रॉब्लम ऑफ योर कस्टमर एंड मेक देयर लाइफ इजियर। जी हाँ, सॉल्व द बर्निंग प्रॉब्लम ऑफ योर कस्टमर एंड मेक देयर लाइफ इजियर। तो बर्निंग प्रॉब्लम, जला हुआ प्रॉब्लम है, यही चीज हो जाए ना तो मजा आ जाएगा। देखिए छोटे से एग्जाम्पल लेता हूँ, और एक एग्जाम्पल लेता हूँ और इससे समझ में आएगा। चश्मा खरीदना है, ठीक है, चश्मा का प्राइस बहुत ज़्यादा है, होलसेलर जो मैन्युफैक्चरर से लेके होलसेलर, रिटेलर, देन गेटर के पास आने से जो चीज़ 1000 रुपये में बनती थी वो इन सब प्रोसेस से आके आके 8000 में आपको मिलता है। तो एक कंपनी ने क्या किया, सर आपको चश्मा चाहिए, वी विल बी प्रोवाइड दैट, हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो हमारा जो कंपनी है वो आपको चश्मा दिखना चाहते हैं, आपको मुंह में कैसे लगता है आप दिखना चाहते हैं, हमारा एक 3D टाइल है, हमारा सिंपल, आपको कहीं जाना जरूरत नहीं है, आपको घर में बैठना है, 3D ट्रायल में आपको सिर्फ अपनी 3D टाइल ट्रायल देना है, आपको सनग्लासेस चाहिए, पावरफुल पावर सनग्लासेस चाहिए,
आपको चश्मा चाहिए, वो मैन के लिए चाहिए, वुमेन के लिए चाहिए, बच्चों के लिए चाहिए, किसके लिए चाहिए, हमारा सारा सेगमेंट है। सिंपल, आप कहीं जाना जरूरत नहीं है, हमारा वेबसाइट है, आप हमारा वेबसाइट पे विजिट कीजिए, हमारा एक ऐप है, वहाँ पर जाइए, आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। बाहर क्यों जाने का, इतना दूर क्यों जाने का, और आपको अफोर्डेबल प्राइस में आपको आपको मिल रहा है, और हम अपने दे देंगे ना आपका लोकेशन, अगर आपको जाना है हमारा लोकेशन दे देंगे। बाहर जाके ट्राई करने से अच्छा है तो आप घर पे कर लीजिए, अगर आपको अच्छा लगे वो चश्मा तो आप सीधा जाके आप खरीद सकते हैं, हमारा पास में जो स्टोर है, गेस कर सकते हैं कौन सी कंपनी है ये। जी हाँ, मैं बात करने वाला हूँ पीयूष बंसल की लेंसकार्ट के बारे में, ये लेंसकार्ट कंपनी है। तो ये जो है लेंसकार्ट क्या किया, चश्मा का बॉन्डिंग प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। पीयूष बंसल जी के मैं इंटरव्यू देख रहा था जोश टक में, और जब और वो बोले कि मेरा मिशन और विजन है मैं पूरे इंडिया को चश्मा पहनाऊंगा, और मेरा नेक्स्ट मिशन और विजन है मैं पूरे दुनिया को चश्मा पहनाऊंगा, ठीक है। तो इसी मोटिवेशन के साथ, इसी मिशन और विजन के साथ उनका हर एक एम्प्लॉय काम में जुड़ रहता है, काम में आगे बढ़ता है। तो उसमें क्या किया, बॉन्डिंग प्रॉब्लम था तो उसमें चश्मा नहीं, चश्मा जो मिलता है बहुत ज़्यादा रेट में, तो उसी रेट इसे कम करके लोगों के पास भेजा जा सकता है। तो वही चीज़ों को सॉल्व करने के लिए लेंसकार्ट आ गया है, और बहुत इफेक्टिव रहा, मतलब लोगों को बहुत खुशी मिली। और एक एग्जाम्पल लिखा सर, आपको ऑफिस चलो काम करते हैं, ऑफिस टाइम ऑफिस जाते हैं, 10 बज गए चलो ऑफिस जाते हैं, अच्छा ऑटो आ गया, अच्छा ऑटो आ गया तो अब क्या कर, ऑटो में बैठते हैं, अच्छा ऑटो में जगह नहीं है, और एक ऑटो जाता है, आप नहीं जाओगे, कितने रुपये, 100 रुपये, नहीं नहीं 100 रुपये नहीं दूंगा, 100 रुपये क्यों दूंगा भाई, 80 रुपये, हाँ ठीक है 80 रुपये चले जाते हैं। तो इसी चीज़ को एक कंपनी ने देखा, उसको सॉल्व करने की कोशिश की, सर आपको कहीं जाना है हम छोड़ देते हैं, हम आपको क्या करना है, कैसे मिलेंगे हम, सिंपल कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल एक ऐप आप डाउनलोड कीजिए, उसी ऐप में हमारा आपको किसी गाड़ी में किसी जान में आपको जाना है, ट्रांसपोर्टेशन मीडियम में आपको जाना है, बस उसको सिलेक्ट कर लीजिए। आपको बाइक में जाना है, अकेला जा रहे हो बाइक में जाना है, बाइक भी है, ऑटो जाना है ऑटो भी है, सीडान कार में जाना है कार भी है, मिनी भी है, सीडान भी है, एसयूवी भी है, आप चूज कर सकते, सबके हिसाब से प्राइस भी लिखा हुआ होता है। आप कुछ नहीं करना है, आपका जो लोकेशन है आपका लोकेशन फिक्स करेंगे, आपको जाना कहाँ है वहाँ का लोकेशन देंगे, हम आपको उठा, हमारा लोग आपको आएगा, हमारा राइडर आके आपको अपना डेस्टिनेशन पर छोड़ देगा, सिंपल, और कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ हमारा ऐप डाउनलोड करना है बस, कैम खेल खत्म। गेस कर सकते हैं कौन सी कंपनी है ये। जी हाँ, मैं बात करता हूँ ओला और उबेर के बारे में। बहुत सारे हो सकते हैं अलग आप, बट इतना अवेयरनेस नहीं है, ओला उबेर अच्छा मार्केट कैचअप कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, लोगों का बर्निंग प्रॉब्लम सॉल्व किया, लोगों को जाने के लिए उनका हेल्प किया। आप पछताने जा सकते हैं, हम आपको मदद करेंगे, आप आइए तो सही, आप हमारा ऐप डाउनलोड किए कीजिए तो सही। बर्निंग प्रॉब्लम है लोगों के, क्या आता है भाई, कहीं जाना है यार, बट मैं क्यों नहीं जा पा रहा हूँ, मैं क्यों कैसे जाऊँगा मैं, तो उन्होंने उसको सॉल्व कर दिया। कोई नहीं आएगा, आप ही हमारा किंग है, आपको हम उठाएंगे, आपके लोकेशन पे उठाएंगे, आपकी कंप्लीट लोकेशन तक छोड़ेंगे भाई, जितना पैसा है उतना लेंगे, हम आ जाएंगे, हमारा कंपनी जितना जितना लेंगे आपको सर्विस प्रोवाइड कर लेंगे। तो उसी चीज़ को, तो यही होता है बॉन्डिंग प्रॉब्लम, और उसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए आगे आए हमारा ओला और उबेर, ठीक है। तो गाइस, इन दोनों एग्जाम्पल के बाद हम समझ में आ गया कि भाई करना क्या, मतलब हो क्या रहा है, क्यों इतना फोकस किया जा रहा है कस्टमर पर, क्यों उनको किंग बोला जाता है, क्यों उनको गॉड बोला जाता है, क्यों इनको इतना सब कुछ किया जाता है। अगर इतना ही सब कुछ किया जाता है तो बिहेवियर भी वैसा ही करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपके पास कस्टमर आएंगे आ रहे हैं तो मतलब कस्टमर चाहे तो किसी भी चीज़ को मतलब एकदम बेकार करके उनको बिहेव करना, तो कैसे वो करना चाहते हैं, मतलब क्या करना चाहते हैं, ठीक है। देखिए, जब आता है बिहेवियर की बात, कभी कहीं ना कहीं आपको लगता है कि बड़े बड़े कंपनी में बिहेवियर अच्छा करते हैं, हाँ ओब्वियसली अच्छा करते हैं, बट कुछ चुनिंदी लोगों के वजह से एक कंपनी का नाम भी ब्लेम होता है। बहुत सारे मैंने भी ओला में ट्रैवल किया हूँ, तो
बहुत ही अच्छा सर्विसेज है, बहुत अच्छा सर्विस है, ऑन टाइम पिकअप है, हेलमेट अवेलेबल होता है, सब कुछ सही रहता है, पर कुछ ही लोगों के वजह से कभी कभार एक अच्छा अकड़ू जो लोग होते हैं ना वो मिल जाते हैं। तो वैसे हम कंपनी को ब्लेम नहीं कर सकते इन एक दो लोगों के लेके। तो ये होता है बड़ा पिक्चर। अब आता है स्मॉल शॉप के बारे में। देखिए छोटे से छोटे दुकान में क्या, छोटे दुकान में हमें कस्टमर बिहेवियर को कैसे ज़्यादा इम्प्रूव किया जाए। देखिए कस्टमर बिहेवियर छोटे से छोटे दुकान में, अगर आपका कस्टमर अगर आपको आ रहा है, आपके पास अगर कस्टमर आ रहा है, मैं पर्सनली सजेस्ट करूँगा और मैं खुद उसको भुगता हूँ, इसलिए आपको बोला हूँ। देखिए आपके पास जब कस्टमर आ रहे हैं, देखिए पहले बात आपका पास जितना भी काम हो पहला फोकस आपका कस्टमर ही होता है। भाई 10 रुपये का एक पैकेट दे देना, सोयाबीन का पैकेट दे देना, या फिर आप अमूल का पैकेट दे देना, और एक 20 रुपये का एक कुछ लिक्विड दे देना, मतलब कुछ भी ऐसा कुछ भी चीज़ हो। तो आप पहली बात आप उनके पास जाते हैं, तो आपका अगर मांगते हैं वो चीज़ें, तो पहली बात मैं शॉपकीपर, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो शॉपकीपर पर मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि पहली बात आप अपने कस्टमर को पहले फोकस कीजिए, जितना भी काम है पहले उस बाद में पहले कस्टमर। तो उसी चीज़ को आप थोड़ा मतलब अपना दिल पे लीजिए, और आपको उसको करना पड़ेगा, क्योंकि आप थोड़ी सी मेहनत आपकी बिजनेस पे रंग ला सकते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा सब बिजनेसमैन को, स्मॉल बिजनेसमैन को, कि आप अपने कस्टमर को प्लीज़ बहुत ज़्यादा फोकस कीजिए। जितना भी काम हो, अगर इतना भी इमरजेंसी काम ना हो, अगर वो बाद में किया जा सकता है, तो पहले उसको साइड में रखिए। आप अपना कस्टमर को अच्छे से बिहेव कीजिए, और पहला उनका काम, बाद में दूसरा काम। जी हाँ, तो ये था कस्टमर, क्यों कस्टमर को किंग किया जाता है, क्यों कस्टमर को गॉड कहा जाता है। तो इन दिस वीडियो वी ऑल आर डिस्कसिंग अबाउट दैट। तो यही था पूरा प्रोसेस, क्या है वो रूट, क्यों कस्टमर को गॉड और भगवान कहा जाता है। तो यही जो रूट कॉज है, इन दोनों पॉइंट जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सारा कंपनी, सारा ऑर्गेनाइजेशन, छोटे से छोटे चीज़ से लेके बड़े से बड़े ऑर्गेनाइजेशन तक, सब ये इसको फॉलो करते हैं। तो यही था वो प्रोसेस। जाने से पहले सिर्फ एक बार बोलना चाहता हूँ गाइस, आप अगर और भी वीडियो आप मेरा देखना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाइए वहाँ पर विजिट कीजिए, आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। और हाँ, ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपको इंग्लिश को अगर आप इम्प्रूविंग करना चाहते हैं, तो उसमें भी वीडियो है हाउ टू इम्प्रूव योर इंग्लिश, व्हाट इज द स्टेप फॉर द इम्प्रूविंग योर इंग्लिश, वो भी मिल जाएगा। तो जस्ट गो फॉर दैट, लिंक इन योर डिस्क्रिप्शन, जस्ट विजिट एंड डू सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल, सो दैट I am very encouraging for to making a new video. So thank you so much guys. Thank you so much. Jai Hind, Jai Bharat.